देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणपति पूजन के लिए देश भर के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मना कामना। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेशा का आगमन हो चुका है। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ति। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक चलेगा। देश भर में श्रद्धालु देवा को अपने घर ला रहे हैं। मुंबई में बप्पा के जन्मदिन को लेकर हर साल की तरह खासा उत्साह देखा जा रहा है। सिद्धि विनायक मंदिर और लाल बागचा राजा में सुबह सुबह आरती हुई। इस दौरान गजानन की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। फिल्मी हस्तियों में भी गणपति के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इमरान हाशमी, अर्जुन रामपाल, विवेक ओबराय समेत कई फिल्मी हस्तियों ने बप्पा की प्रतिमा को प्रस्थापित किया। इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं रखी गई हैं। खासकर दिल्ली में इको फ्रेंडली गणेशा की प्रतिमा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार गणपति पंडालों की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी की मदद से पंडालों में आने वाले भक्तों पर नजर रखी जा रही है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। मुंबई के GSB किंग सर्किल मंडप के बप्पा का 300 करोड़ का बीमा कराया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार गणपति स्थापना के लिए क्या शुभ मुहूर्त है और आखिर क्यों मनाया जाता है गणेश उत्सव। चतुर्थी का मुहूर्त रविवार को शाम 6:54 पर शुरू होकर आज रात 9:10 तक रहेगा। पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त सोमवार को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:38 तक माना गया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर अनंत चतुर्दशी के 10 दिन तक गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए विघ्नहर्ता मंगलकर्ता समृद्धि और सौभाग्य के देवता विनायक की पूजा गणेश चतुर्थी के रूप में की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने तांबे मिट्टी या गोबर की गणेश प्रतिमा बनाई जाती है। गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में